हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। दोस्तों, मैं राजकुमार रघुवंशी, आपकी क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ के साथ। आज आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना? यही नाम तो है ना, निर्देशांक ज्यामिति। तो साथियों, ज्यामिति के बारे में आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, इसमें विशेष महत्वपूर्ण एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर चैप्टर भी करवाएंगे। आपको पता है कि चैप्टर का जो है 3.1 आपने पढ़ लिया है, कुछ काफ़ी जो है इसमें पढ़ लिया है 3.12 में जो भी है, तो उसके आगे वाला चैप्टर हम करवाएंगे, लेकिन उसके पहले पहले ये सब चीज़ देख लो, ठीक है? 3.1 आप पढ़ लियो, 3.2 करवाना है, लेकिन 3.2 के पहले ये ज़रूरी है। साथियों, पहले तो आप वर्ड समझिए, शब्दों को समझिए, उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। मुख्य रूप से एक है कार्तीय तल। कार्तीय तल ही इसका मेन जो है वो कप्तान है, एक प्रकार से मतलब मॉनिटर है इस सिस्टम का पूरे, ठीक है? तो कार्तीय तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, वहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया है, क्योंकि इसका भी काम लगेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है? तो कार्तीय तल को दोस्तों बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। देखो लिखा है ना, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं आप समझ लेना, क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसके अलावा चतुर्थांश, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड, फोर्थ, इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद आता है निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष मतलब जैसे ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, है ना, अक्ष इसमें, तो इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं। वैसे तो अक्ष को अकेले एक्सेस बोलते हैं, निर्देशांक अक्ष मतलब कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक? फिर अभी प्रयोग होगा भुज और कोटि। भुज और कोटि का मतलब जानते हो? जो यक्ष के मतलब सापेक्ष मान होगा वो भुज होगा, उसे यक्ष से प्रदर्शित करेंगे, जो वाई के सापेक्ष होगा उसे कोटि बोलेंगे, वाई से, ठीक है? तो इंग्लिश में भुज को एब्सेसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आप नोट कर लो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का आपको दोनों लैंग्वेज का ज्ञान इसमें होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि मूल बिंदु क्या होती है इसमें, ऑरिजिन जिसे बोलते हैं, और फिर भुज क्या है, ये कोटि क्या है, इन शब्दों का परिभाषा हम देखेंगे, इनसे आपको परिचय करवाएंगे, ये हैं क्या। पहले तो आपने शब्दों को देख लिया, चलिए अब एक एक हम आपको लिखवाते हैं। इसमें पहला आता है मुख्य रूप से मूल बिंदु। देखिए मूल बिंदु क्या होता है, इसे इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। दोस्तों यक्ष और वाई अक्ष जिस जगह पर एक दूसरे को लंबवत काटते हैं उसी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल देख लो, ये यक्ष अक्ष है, यक्ष अक्ष है ना, ये भाई ऐसे गया यक्ष अक्ष ना, और ये वाई अक्ष है, ये जहाँ पर दोनों कट रहा है बीच में, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0.0 होता है। कितना होता है? 0.0 इसका निर्देशांक होता है मूल बिंदु का, क्योंकि उस पर यक्ष भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। यहीं से यक्ष की शुरुआत होती है, यहीं से वाई की भी शुरुआत होती है। यक्ष यहाँ से इधर प्लस साइन में जाता है, मतलब प्लस में, इधर वाई जो है प्लस में जाता है ऊपर, इधर नीचे एक्स माइनस में आता है, इधर वाई माइनस में जाता है, मतलब सब कुछ यहीं से मैनेज होता है, यही इसका क्या होता है, केंद्र होता है, एक प्रकार से मान लो ये राजधानी होती है, ठीक है? लेकिन राजधानी वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये मूल बिंदु है गणित की भाषा में, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं अक्ष क्या होता है। अक्ष तो आप जानते हो, ऐसे अभी बात आ जाएगी किसी न किसी टॉपिक में, पहले देख लो भुज क्या होता है। अगला हेडिंग डालो भुज। भुज को अभी मैंने इंग्लिश में लिखा था ना, एब्सेसिया ऐसे कुछ बोलते हैं ना, मूल बिंदु से यक्ष अक्ष की दूरी को भुज कहते हैं। देखो ऐसे समझ लो, बुक में क्या लिखा है, मूल बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी को यक्ष निर्देशांक या भुज कहते हैं। मूल बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी, देखो मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष के लंबवत। अब वाई अक्ष कौन सा है, वाई अक्ष तो ये है ना भाई, ये वाई अक्ष है ना, लंबवत, लंबवत मतलब अगर कोई ये रेखा है इसके लंबवत बोलें तो लंबवत का मतलब ऐसे, मतलब उसको काटे जो, समझ रहे हो ना, अगर हमने ये रेखा इसे खींचा था, अगर ऐसे उसके बगल खींचेंगे तो समांतर हो जाएगी, इन दोनों को समांतर रेखा बोलते हैं। लंबवत का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करें, है ना, प्रतिच्छेदित करें जिसे बोलते हैं। तो मूल बिंदु से क्या कह रहा है, देखो फिर से, मूल बिंदु से वाई अक्ष की लंबवत दूरी को, तो भैया वाई अक्ष ये है लंबवत, इसका कब होगा, ये क्या है लंबवत है, ये सब लंबवत है, ये सब वाई अक्ष के लंबवत है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भुज बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष का निर्देशांक बोलते हैं। जैसे अभी गिनती हम लिखें, अभी आपको लिख के दिखाएंगे, इधर गिनती होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बढ़ती जाती है ना,
इधर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है ऊपर साइड में, नीचे माइनस होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो है वो क्या है, थोड़ा विस्तार से समझ लो। मान लो कि मैंने इसको यहाँ से मिलाया और इसको भैया ये तीन वाला यहाँ से मिलाया, यहाँ पे ना, यहाँ आके मिल रहा है ना, ये तीन वाला यहाँ आ रहा है, ये चार वाला जा रहा है। अब यहाँ पर एक बिंदु बनेगा 4.3 बनेगा, इसमें से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखो 4.3 का मतलब क्या है पता है आपको? ये इस बिंदु का निर्देशांक है, इस बिंदु का निर्देशांक है। मान लो इसका मैंने नाम लिख दिया बी, तो बी का निर्देशांक क्या है? 4.3। इसमें अब समझो, इसमें भुज क्या है? अभी मैंने बताया था जो वाई एच के लंबवत दूरी है वो भुज है। तो भैया वाई एच ये है, वाई एच ये है ना, इसके लंबवत दूरी कौन सी है? इसके लंबवत ऐसे है ना, ऐसे वाली, इधर वाली ना। तो ये कितना है देखो, 1, 2, 3, 4, ये चार वाली गई है ना लाइन भाई, ये इतना बड़ी है, लेकिन कितना बड़ी है? 4 के सीधे तक बड़ी है ना। अगर ये यहीं ख़त्म हो गई होती तो 3 होता इसका मान, लेकिन यहाँ तक गई तो 4 के सीधे तक आई, मतलब 4, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो भुज क्या है? 4 है, ठीक। इसी तरह से कोटि की जो परिभाषा है, इसके उल्टी हो जाएगी। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसे ऐसे कहोगे, मूल बिंदु की यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी, मूल बिंदु की यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी। तो भैया यक्ष अक्ष ये है, ये यक्ष अक्ष गया ना, ये यक्ष अक्ष है, इसकी लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं। लंबवत मतलब जो ऐसे जाए, ऐसे ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं, ठीक। आप समझना, लंबवत दूरी किसके? यक्ष अक्ष के लंबवत ना, क्या बोल रहा है? यक्ष अक्ष से दूरी, हाँ, मूल बिंदु की यक्ष अक्ष से दूरी, जैसे मैंने अभी उसमें बताया था लंबवत दूरी ना। तो अब इसमें समझो, जैसे अब इसमें अगर देखा जाए तो भैया यक्ष अक्ष के लंबवत दूरी कितना चली है? यक्ष अक्ष के लंबवत दूरी कितना चली है? 3 ना। देखो ये लंबवत दूरी यक्ष अक्ष ना, ये लंबवत इधर से जाएगा तो इधर से भी तो आएगा लंबवत यक्ष अक्ष के, क्योंकि यक्ष अक्ष तो यही है ना, तो इधर से जाएगी तब भी लंबवत होगी। अब इधर से भी तो रेखा आ सकती लंबवत, ऐसे ये भी तो लंबवत है ना। तो अब देखो जो 4.3 लिखा था, इसमें 3 भाई, ये बिंदु तक हम कितना गए थे ऊपर, ये लंबाई कितना है कैसे जानेंगे बोलो? ये जिसपे मैं मार्कर रगड़ रहा हूँ, ये कितना है कैसे जानोगे? इसके लिए आप ये गिनती करोगे, यहाँ से जो गिनती है, ऐसा तो नहीं यहाँ कुछ गिनोगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, ऐसे मान लो कि हमें छत की ऊंचाई ज्ञात करना है, छत की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऐसा तो नहीं हम बीचों बीच में जहाँ खड़े हैं यहीं पर से छत को नाप लेंगे हाँ कितना ऊंचा है, ये थोड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम दीवार नाप लें वहाँ से, क्या नाप लें? दीवार नाप लें छत तक ऊपर, तो आप समझ जाओगे कितना ऊंचा छत है ना, क्योंकि छत और दीवार जो है एक ही में ऊपर जाके टच है ना। तो आप क्या नापोगे? दीवार नापना आसान होगा कि बीचों बीच में खड़े होकर नापोगे जहाँ पंखा लगा है? वहाँ नापना मुश्किल होगा ना। मान लो फीता पे नाप रहे हो, फीता आपने देखा होगा उसमें सेंटीमीटर में लिखा होता ना, ऐसे गोला गोला होता है, जो लोग घर वगैरह बनाते हैं या टेलर वगैरह जो कपड़ा सिलते हैं उसमें लिखा होता ना मीटर, सेंटीमीटर लिखा होता है, जिसे लोग लंबाई वगैरह नापते हैं, फीता टाइप का निकलता है ना। तो उससे अगर बीच में खड़े होकर छत की ऊंचाई नापोगे मुश्किल हो जाएगी, लेकिन दीवार नापोगे तो आसान होगा दीवार से। तो उसी तरह इसमें यहाँ से नापना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम यहाँ से इसकी तुलना करते हैं क्योंकि ये लाइन इसी लाइन के इतने बराबर है ना, है ना। तो जब यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब ये भी 3 के बराबर है ना। तो यानी कि जो कोटि है ये कितना है? 3 है। इसे क्या बोलते हैं? कोटि। कोटि नहीं बोलते हैं, कोटि, टापे छोटी मंत्र रहता है, समझ गए ना। तो ये हो गया भैया आपका भुज, कोटि, मूल बिंदु हो गया, निर्देशांक हो गया, अक्ष हो गया। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, याद रखना कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे आपने अभी सीख लिया भुज, कोटि, मूल बिंदु वगैरह जो भी है, तो अब इसमें थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये सभी मैंने जो ये खाना टाइप का, नक्शा टाइप का बनाया है, मान लेते हैं इनका नामकरण कर लेते हैं, ये बी है। अब आपसे पूछा जाए कि बी का निर्देशांक क्या होगा, तो आपको बताना होगा बी का निर्देशांक क्या होगा। उसके लिए ध्यान से समझो, मैं 1-2 बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करके और कमेंट करना, ठीक है। अगर आपने ऐप में क्लास लिया है तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइए, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। हम गारंटी लेते हैं आपको पूरा मैथ आएगी, YouTube पे सारी क्लास फ्री मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप अपने खूब दोस्तों को शेयर करिए और ढेर सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए, जैसे इसका निर्देशांक हमें निकालना है, मतलब हमें यक्स कामा वाई इसके पद में निकालना है। तो पहले इस पे देखो यक्स का मान कितना होगा। हमने कहा था यक्स का मान वो होगा जो वाई एच के लंबवत होगा। तो वाई एच के लंबवत मतलब कौन सी रेखा है? ये वाई एच के लंबवत होगी ना भाई, वाई तो यही है ना, वाई तो ये सीधा वाला है, तो इसके लंबवत ये जो ये रेखा है ये लंबवत है इधर ना।
तो मतलब ये रेखा, ये यानी यहाँ बोलें तो ये कितना चल रही है, देखो कितना चल रही है। अब यहाँ से जो मैंने बताया था छत वाला दीवार वाला, वैसे समझो ये चार तक आ रही ना, चार तक, तो यानी यक्स का मान क्या है, चार है भाई, चार तक आ रही है, एक्स पे चार है। वाई की अगर बात करें तो वाई कितना है, वाई की अगर बात करें ध्यान से देखो, वाई कितना है, ऊपर को जा रही ना वाई, ये कितना है, तीन पे आ रही ना, मतलब कितना है, तीन है, यानी इसका मान कितना हो गया, चार का मतीन, ये निर्देशांक हो गया चार का मतीन। अगर हम बात करें यहाँ, मान लो मैंने सी लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया ई, और यहाँ पर लिख दिया जेड, अब ध्यान दो, तो इसका मतलब क्या है, सी का निर्देशांक क्या होगा, सोचो यक्स पे कितना चल रहा है, यक्स पे मतलब इधर साइड तीन चल रहा है ना, कितना, एक दो तीन चल रहा है ना, यानी यक्स कामा वाई, मतलब यक्स का मान कितना, तीन ना, वाई पे कितना चल रहा है, वाई मतलब नीचे को आ रहा है ना, नीचे को आ रहा है ना, तीन, एक्स पे गया, वाई कितना, अरे यार ऐसे देख लो, एक दो तीन चार, चौथे पे चल रहा है ना, मतलब वाई वाला चार तक आया ना, माइनस लेकिन नीचे रहेगा याद रखना, तो तीन कामा माइनस चार। अगर इसमें बोलें भुज कितना है तो भुज बराबर तीन और कोटि बराबर माइनस चार, ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया था भुज और कोटि क्या होता है, इंग्लिश में आप समझ गए होंगे दोस्तों, इंग्लिश में एब्सिसा इसे बोलते हैं और उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। तो इस क्लास में इतना ही, आप लोग ये दोनों बिंदु ई और जेड इनका मान कमेंट करके बताना, अगर आपने क्लास लिया है तो आप उसे व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है ना। फिर अगली क्लास में मिलेंगे, आपसे निवेदन होगा इस क्लास को अगर आप डेमो के रूप में यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और रेगुलर क्लास देखें, कंप्लीट क्लास आपको मिलेगी, और आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको कहीं कोचिंग नहीं पढ़ना होगा, फ्री आप पढ़ पाएंगे घर बैठे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्लास को शेयर करें। जय हिंद। और हाँ, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे कि आप अगली क्लास भी देख पाएं।